ठीक लिखो कंडक्टर्स, कंडक्टर्स। अब देखो जितने भी मटेरियल्स हैं अपने पास उनको अभी अपन एक तरह से तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और फिर एक है अपना इंसुलेटर्स। तो देखो अभी मैं इनको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा हूँ इन तीनों को, है ना। इन तीनों का और अच्छा क्लासिफिकेशन करेंगे जब हम सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पे बेंड थ्योरी के बेसिस पे करेंगे, वो ज़्यादा सही है। पर अभी हम बताएं मोटा मोटा नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे करेंगे। नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब समझ रहे हो, तो भाई एटम होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना। अब क्या होता है कि भाई हर चीज़ रूम टेम्परेचर पर जैसे अपने नॉर्मली रखी हुई है, अब रूम टेम्परेचर पर भी कोई ना कोई थर्मल एनर्जी होती है ना, KT जो अपन निकालते हैं बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट से। तो उस थर्मल एनर्जी से भी क्या होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, है ना। कई मटेरियल्स की कम होती है, जिनकी कम होती है वो एक्साइटेशन एनर्जी या फिर क्या बोलते हैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी जो भी है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, ठीक है, कुछ में नहीं हो पाते। तो समझे फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब समझे, पहले तो जो न्यूक्लियस के अराउंड बाउंड नहीं है वो कहीं भी मूव कर सकता है, उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो मैं नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होते हैं भाई, सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं भाई, बहुत सारे हैं ना, सेवरल क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने पास, मतलब ये समझो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे कंडक्टर में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, कहीं भी, क्योंकि वो फ्री है, वो किसी भी बताए एटम से बाउंड नहीं है। तो एक तरह से पूल है हमारा कंडक्टर है, वो पूरा का पूरा पूल है ना, जैसे ना स्विमिंग पूल में तुम कहीं भी स्विम कर सकते हो, वैसे वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी स्विम कर सकता है इसके अंदर। ये वाली बात समझ में आई क्या, वो किसी भी एक एटम से बाउंड नहीं है, पूरा कंडक्टर उसके लिए स्विमिंग पूल जैसा है, जहाँ जहाँ वो मेटल जहाँ कंडक्टर मिलेगा वहाँ वहाँ वो क्या कर सकता है, जा सकता है। ये तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जो इंसुलेटर होते हैं उनमें क्या होता है, अगर बिल्कुल आइडियली इंसुलेटर बोले ना, बिल्कुल आइडियल बोल दे, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तुम्हारा, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे बाउंड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसा कोई भी सरफेस है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो वो यहाँ से कभी यहाँ नहीं जा सकता, वो बिल्कुल वहीं रहेगा, न्यूक्लियस के साथ बाउंड रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो सेमी कंडक्टर है वो क्या है, इन दोनों के बीच का है, मतलब फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और बस ये इतनी सी प्रॉपर्टी से ये बिल्कुल अलग बन जाता है बाकी सबसे, जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है सब पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर्स पे चलता है, ठीक है। लिखो फिर अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स, पता है ये मेटल्स होते हैं ना जनरली कंडक्टर्स, और वो केमिस्ट्री में तुमने पढ़ रखा है भाई कौन कंडक्टर है, इंसुलेटर है क्या नहीं है। ठीक है, हम कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं कंडक्टर्स, मतलब इनमें जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उससे ऐसा क्या हो जाता है। देख लो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना, कंडक्टर को अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल ही सिंपल केस मान लेते हैं, मान लो भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। अब तुमने क्या करा, यहाँ पर एक कंडक्टर रख दिया, और कंडक्टर बिल्कुल रेक्ट ऐसा मान लेते ना, क्यूब मान लो, चलो क्यूब है ये, तुमने एक कंडक्टर रख दिया यहाँ पे, तब क्या होगा सोचो। इस कंडक्टर मतलब क्या है भाई, तुमने बिल्कुल अभी मान लो अभी तो T=0 पे रखा है, और न्यूट्रल है तुम्हारा कंडक्टर, कोई भी मेटल का ले आयरन वगैरह का कोई बॉक्स ला के तुमने सॉलिड है ना, सॉलिड क्यूब रख दिया तुमने यहाँ पे, ये कंडक्टर है अपना, तो क्या होगा। कंडक्टर मतलब समझ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्टर मतलब क्या है, हर जगह मैं से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दिखाऊंगा, बाकियों को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बाकी तो बाउंड है, वो तो कहीं नहीं जा सकते।
तो होगा क्या बताओ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, है ना, क्या होगा भाई, ये फोर्स फील करेंगे, चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन ये फ्री हैं, ये भाई उस कंडक्टर में कहीं भी मूव कर, कंडक्टर बाहर नहीं जा सकते पर कंडक्टर में कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा भाई, फोर्स लगेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा ना इन पे, और अपोजिट डायरेक्शन लगता है, तो इन सभी पे बताएं फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और जो न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव वाला उस पर भी फोर्स लगेगा आगे के डायरेक्शन में, पर वो कहीं मूव नहीं कर सकता, वो तो बाउंड है, जुड़ा हुआ है ना, मतलब इस कंडक्टर को तो तुमने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, समझ रहे हो, ठीक है, नहीं भी रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, नेट तो जीरो जाएगा फोर्स, क्योंकि जितना न्यूट्रल मतलब जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिव इधर आएगा उतना नेगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई, इनका रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ये तो टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन दिखा रहा हूँ जब तुमने रखा है, उसके जस्ट थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये तो टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन है, जस्ट आफ्टर, थोड़ी सी देर बाद, जस्ट आफ्टर मतलब नैनो सेकंड्स, है ना, बहुत कम समय में हो जाता है ये रीअरेंजमेंट, तो क्या होगा कि भाई बहुत सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, अब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन थे वो छोड़ के गए उस जगह को, तो अब इलेक्ट्रॉन जाने से एक नेगेटिव वहाँ का कम हो गया ना, तो इस कारण उन जगहों पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ जहाँ वो इलेक्ट्रॉन थे अब वहाँ पे नहीं है, तो उन सारी जगहों पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हो, और बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इधर पे इकट्ठा हो जाएगा, अब वो रीअरेंजमेंट ऐसा होगा, वो खतरनाक सा होगा ना, वो मैं पूरा रीअरेंजमेंट नहीं दिखा रहा हूँ, वो एग्जैक्टली कैसा होगा वो पता नहीं है ना, पर नेगेटिव इतना पता है कि बहुत सारा नेगेटिव यहाँ आ गया होगा, बहुत सारा पॉजिटिव दूसरी तरफ रह जाएगा हमारा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ सरफेस वाला दिखा देता हूँ, ये बीच का क्या है वो नहीं बता देना, अंदर बीच का बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो सरफेस पे यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे बहुत सारा क्या आ गया नेगेटिव, और बीच में भी इधर मतलब इधर तुम्हारा एक तरह से नेगेटिवली पोलराइज हो गया और यहाँ पे पॉजिटिवली पोलराइज हो गया वाला पार्ट, तो अब इससे क्या होगा, एक तो यहाँ पे तुम्हारी ये एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो तुम्हारी यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो तुमने अप्लाई कर रखी है यहाँ पे ई एक्सटर्नल, और दूसरा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया यहाँ पे नेगेटिव आ गया, उसके कारण भी अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आने लगेगी, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ जाती है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तुम्हारी कौन सी है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये चार्ज के रीअरेंजमेंट के कारण इंड्यूस हुई है, पहले नहीं थी ये, आ रहा है समझ में, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड से नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, अब पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, तो अभी मान लेता अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स, तो देखो अभी तो ये स्ट्रांग थी, अभी तो ये बहुत वीक है, मान लो अभी रीअरेंजमेंट स्टार्ट हुआ है, तो क्या होगा अगर ये वाली फील्ड स्ट्रांग है एक्सटर्नल वाली, तो ये जीतेगी, इसका मैग्नीट्यूड मान लो इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका 2 है, तो ये वाली एक्सटर्नल वाली एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जीतेगी, तो क्या होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि अभी अभी एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आते जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ का नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ का नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये चार्जेस बढ़ेंगे वैसे वैसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, समझ रहे हो, अब ये बढ़ता जा रहा है, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन पे, जीरो, और रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है, तो जस्ट आफ्टर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इसके अंदर, जीरो हो जाएगी, मतलब जो तुम्हारी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, एंड रीअरेंजमेंट स्टॉप्स, उस पॉइंट पे रीअरेंजमेंट तुम्हारा रुक जाएगा, ठीक है, कंडक्टर का मतलब तुम समझ सकते हो, जब हम कंडक्टर बोल रहे तो एक तरह से अपन आइडियल पढ़ रहे हैं ना, अभी आइडियल कंडक्टर, तो आइडियल कंडक्टर से तो मतलब समझ सकते हो इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है, इंसुलेटर मतलब जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, असलियत में ऐसा नहीं होता है ना, कुछ भी आइडियल नहीं है, पर अभी के लिए अपन क्या समझ सकते हैं, कंडक्टर मतलब इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मान लो अभी 10 यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड थी कैंसिल आउट हो गई, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अभी, जीरो,
अब सोचो 10 की जगह तुम 1000 मैग्नीट्यूड की कर दो एकदम से एक्सटर्नल वाले को, फिर क्या होगा? हाँ, फिर से रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा और तब तक चलेगा जब तक इंड्यूस्ड वाली भी क्या ना हो जाए 1000, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। चलो तुमने इसको बढ़ा के 1 बिलियन कर दिया तो फिर रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तब तक रहेगा जब तक इंड्यूस्ड वाली भी क्या हो जाए 1 बिलियन। तो मतलब क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है, इन्फाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या रहेगी? हमेशा जीरो रहेगी। ये रीअरेंजमेंट होने में जो टाइम लगता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइम होता है। तुम जैसे ही स्विच ऑन करते हो वैसे ही रीअरेंज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बहुत फास्ट होती है प्रोसेस, नैनो सेकेंड्स, है ना। तो हम बोलते हैं कि भाई कंडक्टर के अंदर क्या होगी अपनी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगी। आ रहा है समझ में? और ये फंडा समझ में आया क्या? अब ये पूरी प्रोसेस दिमाग में रखना है, ऐसा होता क्यों है, बना लो जल्दी से। हाँ तो हो जाएंगे, हमें सेम ही तो होंगे, हमेशा सेम हो जाएंगे। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो कंडक्टर को तुमने एक ऐसी जगह रखा था जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगी। तो ये प्रॉपर्टी हमने समझी उसको, है ना, ऐसा क्यों होता है वो समझाया मैंने। लिख लो भाई, नोट लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ब्रैकेट में लिख लो, एक्सेप्ट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, एक्सेप्ट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, ब्रैकेट में। ये अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ना। अपन वायर लेते हैं वो भी तो कंडक्टर ही होता है, जब उसको बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं तो करंट फ्लो करने लगता है, उसको वो समझाएंगे ना वो कैसे होता है। वरना जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कंडक्टर के अंदर, हमेशा जीरो रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते फिर अपन। पढ़ेंगे ना यूज़, यार अभी रुकते हैं, पहले प्रॉपर्टी पढ़ लो, फिर अपन देखेंगे, बहुत सारी यूज़ पढ़ेंगे अभी अपन, पढ़ लो नहीं पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते ना, तो समझ लेते हैं कंडक्टर बिहेव कैसे करता है। देखो फिजिक्स का तो फंडा यही है, फिजिक्स समझते समय ये नहीं सोचते इसका यूज़ क्या है। फिजिसिस्ट को कोई मतलब नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं जो कर रहे हैं उसका कोई यूज़ है या नहीं है दुनिया में, वो इसलिए समझते हैं क्योंकि उनका मन है बस, उनको मिस्ट्री सॉल्व करनी है, उनको हर एक चीज़ समझ ही नहीं है। और जब वो समझ लेते हैं तो यूज़ अपने आप बहुत सारे निकल के आ जाते हैं, बहुत यूज़ निकल जाते हैं उसके, है ना। ठीक है, फिर से मान लेते हैं ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस बार एक स्फेरिकल रख दिया ना, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया, समझो ना, लिख दे रहा भाई, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। वैसे स्फीयर का मतलब वही हो जाता है ना, सॉलिड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे होलो होगा तो मेंशन करूँगा, कंडक्टिंग स्फीयर है अपने पास, रख दिया। तो बताओ क्या होगा भाई, ये तो टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन है ना, तो टी इक्वल टू जीरो पे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी एक तरह से, टी इक्वल टू जीरो पे तो तुमने जस्ट रखा है। अब यहाँ पे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, क्या होगा बताओ, जैसे ये था, थोड़ी देर में यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आने लगेंगे, है ना, और यहाँ पर कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज आने लगेंगे, यही हो जाएगा एक कुछ इस तरह, एक तरफ नेगेटिव क्लाउड आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव क्लाउड आ जाएगा, और अंदर के डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। अब बताओ ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है तो ये चार्जेस, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, इनडीडी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर थोड़ी ना क्रिएट करेंगे, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर भी क्रिएट होगी। तो जो बाहर अभी हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसी क्रिएट करी थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पर क्यों इस चार्ज अरेंजमेंट के कारण बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी फर्क पड़ेगा, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये अंदर नहीं है ना, अंदर सिर्फ डॉटेड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही रहेगी ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब जब भी एंटर करती हुई दिख रही है तो बिल्कुल सेंटर रेडियस पे, है ना, रेडियस के पैरेलल सेंटर की तरफ, और जब भी एग्जिट करती हुई दिखेगी तो रेडियस से ऐसा। तो भाई बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा, वो चेंज हो जाएगी, ये तो समझ में आ रहा है कि ठीक है चार्ज रीअरेंजमेंट हो गया,
पर एग्जैक्टली ऐसी ही क्यों हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों हो गई? कौन एक्सप्लेन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो नोट लिखो अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बताओ भाई ऐसा क्यों है? हिंट दूं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इससे ये कैसे एक्सप्लेन करोगे? सोचो कुछ पोटेंशियल वगैरह के टर्म में सोचो, इससे सोचो, इससे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? पोटेंशियल से कुछ बता सकते हो, इक्विपोटेंशियल से कुछ? ये जो चेंज है वो जीरो हो जाएगा, मतलब चेंज पोटेंशियल dv / dx क्यों जीरो हो जाएगा? अंदर जीरो है ना। अच्छा, तो कंडक्टर के अंदर है ना, एट कंडक्टर। हाँ ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल जाओ लिखते हुए चलते हैं, जो तुम बोल रहे हो ना समझ में नहीं आएगा मुझे। एट कंडक्टर, जहाँ जहाँ कंडक्टर है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब पोटेंशियल क्या है? हाँ, तो आप बोलो इससे क्या फिर हो गया? ठीक है, रुक जाओ। तो ये पूरा का पूरा कैसा हो गया तुम्हारा? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया है ना, ये बाहर का पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल हो गया। इंडी से बाहर का सरफेस नहीं, इधर पे जो पोटेंशियल होगा वी, यहाँ पर भी वही पोटेंशियल होगा वी, यहाँ पर भी वही पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी वही पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी। पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, पूरा का पूरा कंडक्टर, पूरी की पूरी वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल होगी। और जो आउटर में जो सरफेस दिख रहा है वो तो डेफिनेटली इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये आ रहा है समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो वो चीज़ होती है जो पोटेंशियल को चेंज करती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल चेंज होगा ही नहीं, तो फिर उससे क्या हो गया? सही बात है ना, बैठ जाओ। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अरे डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि वो सारे पॉइंट जो सेम पोटेंशियल पे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर नहीं होगी, मान लो ऐसी हो गई, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ गई, तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। अब जो कंपोनेंट टेंजेंशियल आएगा वो बोलेगा उस टेंजेंशियल डायरेक्शन में पोटेंशियल को चेंज करो, और पोटेंशियल तो चेंज हो नहीं रहा है, तो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट क्या हो गया? जीरो। आया क्या समझ में? सो दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज पर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल। लिख लो, रीजन लिख लो। अब ये दिमाग में जाके पूरी प्रोसेस रिवाइज करना आज। हो गया ये? तो भाई तीन पॉइंट सीखे अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कंडक्टर पे पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे हमेशा कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर एंटर और एग्जिट करेगी। देख लो थर्ड पॉइंट भी लिख लो भाई, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर एट द कंडक्टर, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर एट द कंडक्टर। क्वेश्चन करते ना, एक मैंने ये रखा है न्यूट्रल कंडक्टर है ना, मुझे बोलने जब तक मैं चार्ज बोलूंगा नहीं तो हमेशा न्यूट्रल नहीं मानोगे, न्यूट्रल मैंने कंडक्टर रख दिया ठीक है, और सॉलिड है। यहाँ पे रख दिया मैंने एक क्यू चार्ज रख दिया से, इसकी रेडियस मान लो आर है, और यहाँ से टू आर डिस्टेंस पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ए पॉइंट आर ओइट पे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द कंडक्टर। हो गया? क्या हो गया इस क्वेश्चन में भाई? आसान सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इस पॉइंट पे निकालना है ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ठीक है। तो यहाँ पे भाई कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे? एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये किसके कारण है? इस चार्ज के कारण। और ये कितनी होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड?
ये ऐसा सा सरफेस है के क्यू बाय टू आर स्क्वायर प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा तुम्हारा टू आर स्क्वायर प्लस आर बाई टू का होल, कितना हो रहा है ये 4 4 16 17 आर स्क्वायर बाय 4 के क्यू बाय 17 इलेक्ट्रिक, ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब हमको पता है क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, कंडक्टर के अंदर है, और कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आ जाएगी तुम्हारी माइनस 4KQ/17 आर स्क्वायर। माइनस का मतलब है इधर पे जो भी चार्ज तुम्हारा इंड्यूस हुआ है, माइनस माइनस ऐसे प्लस प्लस प्लस, ये जो भी चार्ज इंड्यूस हुआ है इस पूरे चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी तुम्हारी, और उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली एक्सटर्नल पॉइंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। देखो अगर इसमें कुछ डाउट है तो, मतलब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई। अरे तीन पॉइंट लिखाए उनको पढ़ो तो एक बार यार, किस लिए लिखवाए वो पॉइंट्स भाई, कंडक्टर है ना, से यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, ये डिस्टेंसेस है 3R, और यहाँ पे मैंने रख दिया एक प्लस क्यू चार्ज। फाइंड पोटेंशियल एट पी, फाइंड द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, ये करो अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, इंड्यूस्ड चार्ज के कारण पूछा है ना, तुम भी ध्यान तो देते ही नहीं हो तुम लोग, पता है तुम्हें समझ में आ रहा है इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब, ये तो चार्ज मैंने रखा हुआ है जो इस पर इंड्यूस होगा चार्ज, उसके कारण पूछ रहा हूँ मैं। चलो इसको दो पार्ट में कर लो, ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे पहले निकालो नेट पोटेंशियल एट पी, नेट पोटेंशियल एट पी पहले ये निकालो, फिर इंड्यूस चार्ज के कारण निकालना, और आंसर उन तीन पॉइंट्स में ही छुपा हुआ है। के क्यू है कौन सा, पहला दूसरा गलत, 9R कहाँ से आ गया, जो पोटेंशियल सेंटर पे रहेगा वही सरफेस पे भी रहेगा, तो सेंटर पे क्या पोटेंशियल रहेगा, सेंटर पे पहले नेट, उससे क्या हो गया, उससे मेरे को इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मिली सेंटर पे, उसको फिर इंटीग्रेट किया तो एक पोटेंशियल मिल गया। उसके लिए सेंटर पे थोड़ी ना, फिर तो तुम्हें हर पॉइंट पे निकालना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए, तो तुम्हारे पास एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही नहीं सकते, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो तुम्हें एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है, फिर उसको इंटीग्रेट करके आएगा सेंटर पे पोटेंशियल। तो पहले सेंटर पे के क्यू वाई थेगा, चलो पहले बताओ पोटेंशियल एट ओ क्या होगा, चलो इससे भी पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करने से पहले बता दो भाई पोटेंशियल एट ओ क्या होगा, नेट पोटेंशियल एट ओ क्या होगा, तो पोटेंशियल एट ओ क्या होगा भाई, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू चार्ज एंड पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, तो पोटेंशियल एट ओ क्या होगा भाई, क्यू के कारण क्या होगा, ओ पॉइंट पे इस चार्ज के कारण पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय 3R, पर इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे ओ पॉइंट पे, बताओ भाई वरुण, बोल रहे थे बहुत देर से के क्यू बाई 3R, इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे भाई, नेट पोटेंशियल सेम होता है ना, देखो ये ऐसे आ रहे हैं इंड्यूस चार्ज, नेगेटिव 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 प्लस 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 कुछ, तो कैसे निकाले बताओ, जीरो हो जाएगा ये पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हमको पता है ये ओवरऑल तो न्यूट्रल था, ठीक है अब ये एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो माइनस 3 कूलम नेगेटिव आया है प्लस 3 कूलम पॉजिटिव आया है, तो सारा का सारा इक्विडिस्टेंट ना, बात ये चार्ज सारा का सारा इक्विडिस्टेंट है ना, जितना चार्ज है भाई इधर पे आया है ये सारा का सारा r डिस्टेंस पे है चार्ज, तो अपन पोटेंशियल क्या लिखेंगे के क्यू बाई आर
मतलब और वो क्यू कितना है, नेट सरफेस पर नेट चार्ज कितना है, जीरो। समझ में आ रहा है क्या? तो ओ पॉइंट पे इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। तो पोटेंशियल एट ओ क्या आ गया हमारा, के क्यू बाय थ्री आर। ये समझ में आ गया सबसे पहले? तो एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाएगा, पर इसको करने के लिए इतना होकर के जाना पड़ेगा। पहले ओ पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है सबसे पहले सेंटर पे, क्योंकि वो ही इकलौता ऐसा पॉइंट है जिस पे इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या है, जीरो। बाकी कहीं जीरो नहीं है। अगला करते हैं ना फिर, ये हो गया। अब हमको पता है कि भाई कंडक्टर पे पोटेंशियल हर जगह क्या होता है, सेम। तो जो पोटेंशियल ओ पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल क्या होगा तुम्हारा, पी का भी होगा। तो पी का पोटेंशियल भी क्या हो गया, नेट पोटेंशियल पी का के क्यू बाय थ्री आर। तो ये पहला वाला भी सॉल्व हो गया, नेट पोटेंशियल एट पी। सोचो क्वेश्चन था कि पोटेंशियल पी पे निकालना है, पर उसके लिए मुझे ओ पे निकालना पड़ा एक्चुअली। आया समझ में? अब अगला क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज बताना है। तो वो क्या करेंगे भाई, पोटेंशियल एट पी अब कौन कौन से चार्ज के कारण आ रहा है, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू क्यू चार्ज एक्सटर्नल है जो, और एंड पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अब अपन को नेट पोटेंशियल एट पी तो पता है के क्यू बाय थ्री आर। पोटेंशियल एट पी ड्यू टू क्यू क्या आ जाएगा, इससे कितना डिस्टेंस है, ये रूट टेन आर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा के क्यू बाय रूट टेन आर। अब देखो इंड्यूस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि ये देखो नेगेटिव, हर एक चार्ज अलग अलग डिस्टेंस पे है, कैसे निकालोगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें पता तक नहीं है किस तरह से हुआ है। तो ऐसे डायरेक्टली निकालना तो पॉसिबल नहीं है पी पॉइंट पे इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल, पर देखो इनडायरेक्टली हमने निकाल लिया, ये थोड़ी सी घूम फिर के हमने पता कर लिया, वरना डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते कभी। देखो कहीं भी कोई डाउट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। अबे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी ना, वो तो सिर्फ क्यू चार्ज के कारण होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी आएगी, इधर से कुछ निकल के ऐसे जा रही होगी इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी हमेशा। क्या कहना चाह रहे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब इसका कहाँ कौन सा कंपोनेंट लूँ मैं बताओ, और किस डायरेक्शन में लूँ, ये नहीं है ना ये एक्सटर्नल, यही तो गलत फहमी है। दिस इज नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ही नहीं ऐसी भाई, ये तो तुम गलत बोल रहे हो ना। ये तो तब हो, अभी तो समझाया था। अब भाई ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तब होती अगर ये इंसुलेटर होता, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इस चार्ज के कारण है, पर इंड्यूस चार्ज ने भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखी है, और तो उससे जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा अंदर की तरफ। ठीक है,